स्किल कोरोना अभियान के तहत आज रानी तालाब परिसर में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र की अगुवाई में शपथ ली गई। इस अवसर पर कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी रीवा एवं समाज सेवी भी मौजूद रहे। विशेष तौर पर मलेरिया विभाग के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के किल कोरोना मिशन के तहत हम सब शपथ लेते हैं कि अपने आप को स्वच्छ रखते हुए बार बार साबुन वॉश का इस्तेमाल करेंगे और अपने आसपास भी इस बात का संदेश पहुंचाएंगे कि इस महामारी से बचाव के प्रयास करें। शपथ के बाद सांसद जनार्दन मिश्र के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया, साथ ही मुनगा का पेड़ भी लोगों को वितरण किया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। किल कोरोना अभियान में कोविड 19 संक्रमण को समाप्त करने के नियमों का पालन करूंगा। मैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करूंगा। मालूम हुआ कि कोरोना मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। 7 जनवरी को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लोकसभा में जो विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की, उससे भारत सरकार के संकल्प की जानकारी मिली कि जिस दिन ये मालूम हो उसी दिन से भारत सरकार एक्टिव हुई। उस दिन 7 जनवरी को एक भी कोरोना की डेथ नहीं हुई, फिर भी भारत सरकार ने पूरी कार्य योजना बना करके और उसे क्रियान्वित किया पूरी ताकत के साथ। आप सबके सहयोग से आज हम जिस स्थिति में हैं, वो अगर भारत सरकार ने बहुत सावधानी पूर्वक एक एक कदम उठा करके किस तरह से इस बीमारी से, इस महामारी से बचना है, बचाया जा सकता है इस देश को। सबसे पहले मैं कोरोना से जो कार्यकर्मी हुए लोग हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिन लोगों ने सफाई कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, डॉक्टर्स हों, पुलिस के लोग हों, नागरिक हों, जिन लोगों ने कोरोना से लड़ने में इस ज़िले में अथक प्रयास किया है, उन सबको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा बराबर ये ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको इसी तरह की ताकत मिलती रहे और बराबर इस ज़िले में कोरोना को किल करने का काम जारी रखेंगे। मित्रों, मास्क में कभी मैंने वही 6 फीट डिस्टेंसिंग से मशीन देखी थी मैंने, बाकी मशीन कभी देखी नहीं थी, कि कभी छुआ नहीं था। हमारे घर में, हम बहुत साधारण परिवार का आदमी हूँ, हमारे घर में कोई सिलाई मशीन कभी थी ही नहीं, सिलाई किसी को आती नहीं, मेरी पत्नी को भी नहीं आती, देखा ही नहीं कभी मशीन छुआ हो, मेरे छुआ हो पता नहीं। हाँ, हंसिया खुरपी जानती हैं तो वो जानती है, लेकिन जब ये हुआ कि मास्क, ये जब जो मजदूर आ रहे थे उनकी समस्या, फंसे हुए थे उनकी समस्या सुनना, देखना, उनके आक्रोश को समझना, उनकी भाषा जिस तरह की उस समय होती थी, उस समय कान सन्न सन्न करने लगते थे, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास तो कुछ समय बचता है। मैंने हिसाब लगाया तो लगा कि मेरे पास 4 घंटे का समय बचता है, तो इससे क्या करें। उस समय मास्क भर हल्ला था, मास्क कहाँ ही, कुछ था नहीं, तो फिर 5-7 दिन सीखा, फिर मशीन खरीदा और फिर मास्क बनाने का काम किया। मुझे खुशी है कि हमारे घर में तो हम लोग 5-7 हज़ार ही मास्क बना पाए, लेकिन पूरे ज़िले में उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि लोगों ने गांव-गांव में, आज मैं जाता हूं यहां तहां, लोग कहते हैं कि ये मास्क वाले आए हैं, मास्क वाले। एक घर में गए तो 10 उनके छाते ने, देखो मास्क वाले आए हैं, 10 साल की लड़की आई, अभी मास्क वाले। घर का नहीं, मैं मास्क वाला कहां,
कहा नहीं नहीं वो आप ही मास्क पहना ले। और बताया कि उसने अपने घर में, उनके घर में मशीन थी, अपने घर में अगल बगल उस 10 साल की बेटी ने मास्क बना करके और लोगों को बेचा बांटा। काफ़ी सारे कुपोषित बच्चे भी हैं हमारे ज़िले में, कहीं ना कहीं एक उन्होंने मतलब अपना प्रयासों से एक अपना मूंगा का प्लांट है उस सभी लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग के ना प्रशासन भी है ना सांसद महोदय के साथ रहेगा और कितने घर में हम लोग के ना इसको पहुँचा सकते पहुँचाएंगे उसके काफ़ी सारा बेनिफिट्स है। राजा दैन कलेक्टर बताने की वजह से डॉक्टर भी उसके बारे में बता सकते हैं, बट मेरी हो सकता है अभी सांसद जी ना आप सभी को ना बताएंगे। हम प्रयास करेंगे इसकी बेनिफिट है गांव गांव में ना मतलब सभी लोगों तक है ना हम लोग लेके जाएं। धन्यवाद। 20 साल है कोरोना से हम लोग सभी लोग तकलीफ महसूस कर रहे हैं, बट उस पीरियड पे हम इसके पहले का टीम ने कितने अच्छा काम किया है वो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर ही रहे थे। तो सो कहीं ना कहीं इसके पहले की पूरी प्रशासनिक टीम ने बहुत अच्छा काम किया, उसके कारण रीवा में कहीं ना कहीं कोरोना है ना बिल्कुल कंट्रोल में है और कम केसेस भी रिपोर्टेड है और आम नागरिक भी सजग है। मतलब स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता इतने ज़्यादा है कि मतलब कोई भी व्यक्ति बाहर से एंट्री करता है तत्काल क्वारंटाइन कर ही देते हैं और ग्राम पंचायत भवन में या फिर गाँव के बाहर उनका तत्काल क्वारंटाइन हो जाता है और कॉल आ जाता है सर ये व्यक्ति ने गांव में शुरुआत की गई है किस तरीके से लोगों को बचाया जाएगा। ये किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, इसमें जो मलेरिया है डेंगू है इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है वो कमज़ोरी ना आने पाए इसके लिए जागरूकता, उसकी शिक्षा और सबसे बड़ा है कि उसका परीक्षा भी होगी। जो लोग जिन लोगों को जानकारी दी जाएगी उनकी परीक्षा होगी, प्रश्न दिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा। इस तरह से एक जागरूकता अभियान है और उसके साथ ही साथ है कोरोना की वजह से कहीं दूसरी बीमारियां ओझल न होने पाए, उन वो कहीं दृष्टि से बाहर न जाएं, इसलिए इस पर फोकस करके कोरोना का जो प्राथमिक पार्ट है उसको ही ख़त्म करने का यह अभियान है कि भी मलेरिया आ गई, मलेरिया से बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है, खराश है, तो वो मलेरिया ठीक नहीं होगा। मलेरिया अगर ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है कोरोना की संभावना बढ़ जाए। तो इस तरह से कोरोना के लक्षणों से संबंधित जो रोग पहले से ही हैं उनको दूर करने का, उनके प्रति जागरूकता फैलाने का ये अभियान है। इस तरह से जिस तरह सावधानी आप कह सकते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधानी के तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसको रीवा ज़िले में बहुत गंभीरता से लिया गया और प्रशासन इस पर पूरी सजगता के साथ काम करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और इसे हम इस तरह के प्रयासों से इस ज़िले से कोरोना को हम ख़त्म करने में सफल होंगे और मध्य प्रदेश में सफल होंगे। अभी आपके द्वारा पत्रकार साथियों को सेल्फी स्टिक भी दी गई थी, क्या उद्देश्य? अरे ये तो बच्चे पून के लगा दी है वो तो ये है, देखिए आप लोग वास्तव में जिस ढंग से आपने समाज में जा करके अस्पतालों में तक जा करके कोरोना वार्डों में जा करके आपने अपनी रिपोर्टिंग की है उससे मुझे लगा कि आपका जीवन खतरे में है, लेकिन आप लोग बहुत कम आय वाले लोग हैं, बड़े मुश्किल से अपने परिवार का जीवन निर्वाह इस समय कर पाते होंगे कि नहीं कर पाते होंगे मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता, इसलिए मुझे लगा कि आपके जो ये स्टिक है वो 6 फीट दूर से आप लें, 5 फीट 3 फीट जो भी है, तो मुझे लगा कि आपके पास स्टिक नहीं है और मुझे जो जानकारी मिली कि कई लोग वास्तव में अभाव की वजह से स्टिक नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से वो हमने कहा कि इसमें थोड़ी बहुत अगर हमारी मदद हो सकती तो हो जाए। तो क्या है न कोई ऐसा कुछ उसको बहुत इशू बनाने की ज़रूरत है, मदद है, मदद सहयोग है, हो गया उसमें क्या है, और भी जो किसी के पास नहीं हो आएंगे हम उनको खरीद के देंगे।